हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनम्। संजय सेड टू हिम हु वाज दस ओवरकम बाय पिटी, हुज आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड ट्रबल, हु वाज मच डिप्रेस्ड इन माइंड, मधुसूदना कृष्ण स्पोक दिस वर्ड। द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता डील्स विथ थियरी ऑफ सांख्य एंड योगा प्रैक्टिस। कृष्णा इन दिस चैप्टर रिव्यूज एंड एग्जॉर्ट्स अर्जुना टू बी ब्रेव। द पिटी ऑफ अर्जुना हैज नथिंग इन कॉमन विथ डिवाइन कंपेशन, इट्स ए फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस, ए श्रिंकिंग ऑफ द नर्व्स फ्रॉम एन एक्ट विच रिक्वायर्स हिम टू हर्ट हिज ओन पीपल। अर्जुना रिकॉइल्स फ्रॉम हिज टास्क इन ए मूड ऑफ सेंटिमेंटल सेल्फ पिटी एंड हिज टीचर रिब्यूक्स हिम दैट द कौरवास वेयर हिज किन्समैन ही हैड नो। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्जदुष्टमश्वर्गं अकीर्तिं करमर्जुनम्। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड व्हेन्स हैज कम टू दी दिस स्टेन, द डिजेक्शन ऑफ स्पिरिट इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। It is unknown to men of noble mind, not cherished by Aryans. It doesn't lead to heaven on earth. It causes disgrace, O Arjuna. In his attempt to release Arjuna from his doubts, Krishna refers to the doctrine of the indestructibility of the self, appeals to his sense of honor and martial traditions, reveals to him God's purpose and points out how action is to be undertaken in the world. Arjuna here sees the resistance of relations and friends, doubts and fears, passions and desires. They must all be laid on the altar of the heart, which is to be consumed in the fire of wisdom. The struggle with darkness will continue until the light fills one's own being. Weighed down by the wretchedness, confused about what is right and wrong, Arjuna seeks light and guidance from his teacher, the divine within him, within his self. क्लैव्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। इल नॉट टू दिस अनमैनलीनेस ओ पार्थ ओ अर्जुना, फॉर इट डजंट बिकम दी, कैस्ट ऑफ दिस पेटी फेंट हार्टेडनेस एंड अराइज ओ अप्रिशिएट ऑफ द पोस ओ अर्जुना। अर्जुनास डाउट्स आर अनरिजॉल्व्ड। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हा वरिषूदनम्। अर्जुना सेड हाउ शल आई स्ट्राइक भीष्म एंड द्रोणा हु आर वर्दी ऑफ वर्शिप ओ मधुसूदन कृष्ण, विथ एरोस इन बैटल ओ स्लेयर ऑफ फोर्स कृष्ण। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामान्
तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इट इज बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाई बेगिंग देन टू स्ले दीज ऑनर्ड टीचर्स। दाओ नो दे आर माइंडफुल ऑफ देयर गेन्स, दे आर माई टीचर्स, एंड बाई स्लेइंग देम ओनली आई वुड एंजॉय इन दिस वर्ल्ड डिलाइट्स विच आर स्मियर्ड विथ ब्लड। इफ वी मेक रीड टू अवर सेल्स द विक्टिम्स ऑफ एवरी ब्लड स्टेन्ड पेज ऑफ हिस्ट्री, इफ वी हियर द वॉइस ऑफ वुमेन, द क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, द टेल्स ऑफ कलामिटी, ऑफ ऑपरेशन एंड ऑफ इनजस्टिस इन इट्स मिरेड फॉर्म्स, नो वन विथ एनी ह्यूमन फीलिंग्स वुड डिलाइट इन सच ब्लडशेड एंड ब्लड स्ट्रेन्ड कॉन्क्वेस्ट। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नॉट डू वी नो विच फॉर अस इज बेटर, वेदर वी कॉन्कर देम आर दे कॉन्कर अस, द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र हुम वी स्लू एज वी शुड नॉट केयर टू लीव आर स्टैंडिंग बिफोर अस इन बैटल एरे। हरिशरणं कार्पण्यदोषः पहतः स्वभावः प्रोत्साहामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। माय वेरी बीइंग इज स्ट्रिकन विद द वीकनेस ऑफ सेंटिमेंटल पीटी, With my mind bewildered about my duty, I ask Thee, O Lord, tell me for certain which is better. I am Thy pupil, teach me who am seeking refuge in Thee. Arjuna is driven not only by despair, doubt and anxiety here, but also by an ardent wish for certainty. To realize one's unreason is to step towards one's development to reason. The consciousness of imperfection indicates that the soul is alive. So long as it is alive, it can improve even as a living body can heal. This human being is led to a higher condition through a crisis of contrition. It is the general experience of seekers that they are assailed by doubts and difficulties even when they are on the threshold of light. The light, as it begins to shine in one's soul, provokes the darkness to resist it. Arjuna faces difficulties outward and inward. Arjuna here sees the resistance of relations and friends, doubts and fears, passions and desires. They must all be laid on the altar of the heart, which is to be consumed in the fire of wisdom. The struggle with darkness will continue until the light fills one's own being. Weighed down by the wretchedness, confused about what is right and wrong, Arjuna seeks light and guidance from his teacher, the divine within him, within his self. When one's own world is in ruins, one can only be left with no other means than to turn within and seek illumination as the gift of God's infinite compassion. Arjuna doesn't ask for a metaphysic as he is not a seeker of knowledge. As a man of action, he asks for the law of action, for his dharma, for what he has to do in this
crisis, in this difficult situation. Master, what would thou have to do with me? Like Arjuna, the aspirant must realize his weaknesses and ignorance and yet be anxious to do God's will and discover what it is.